अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8, और हम भिंडी को धो रहे हैं और अभी लंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो लंच ले जाएंगे। तो हुआ ये कि भिंडी तो रात में काट के रख लेते हैं, लेकिन हुआ ये कि नहीं कर पाए तो अभी सुबह कर रहे हैं, तो लेट हो जाएंगे इसलिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और होता यह है कि सब्ज़ी को काट के या तोड़ के जो भी होता है रात में रख लो तो वो आसान हो जाता है, तो टाइम की बचत हो जाती है। और ये देखिए, ये मिक्स दाल है और इसको डब्बे में भर के रख लेते हैं क्योंकि डब्बा खाली हो चुका था। और अब किचन में आके अब इसमें दाल धो लिया था हमने और इसको कुकर में चढ़ा देंगे। और इसमें डालेंगे एक टमाटर, दो हरी मिर्च और हल्दी और मिर्ची। हस्बैंड लंच लेके जाते हैं तो हम सारी चीज़ें रख के देते हैं, जैसे दाल, सब्ज़ी, चावल, रोटी, सारी चीज़ें, क्यों और खीरा वगैरह, सलाद वगैरह सब बना देते हैं। क्योंकि होता ये है कि बाहरी जब खाना खा रहे हैं तो लगे भी कि सारी चीज़ें खा रहे हैं, सिर्फ सब्ज़ी रोटी से नहीं होता, तो फिर पूरी चीज़ें रख के देते हैं। और फ्राइडे के दिन तो घर में आके खाना खाते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे के दिन होता ये है कि नमाज़ के लिए आते हैं तो खाना खा के चले जाते हैं। पहले शुरू में आए थे तो वहीं से फिर फ्राइडे को भी जाते थे नमाज़ पढ़ने, तो हुआ ये कि फिर अब सोचा कि घर में ही आके अच्छा रहता है, नमाज़ पढ़ने जाए और फिर घर में खाना खा के जाते हैं, तो वो हो जाता है। तो 4 दिन करीब करीब घर में टिफ़िन लेके जाते हैं। हम लोग पहले दुर्ग में थे, जब ये ऑफिस से घर आ जाते थे लंच पे तो अच्छा रहता था, घर में खाना खा के फिर रेस्ट करके जाते थे। अब यहाँ थोड़ा दूर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है, सिग्नल काफ़ी होते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर आए और खाना खाएं और फौरन जाए, तो इससे अच्छा सोचते हैं कि घर में ही खाना खा के ही खाना ही सही रहता है, और नहीं आ पाते इस वजह से। देखिए, प्याज तल लिया था, अब इसमें भिंडी डाल दिया है और हमने खड़ी लाल मिर्च भी डालते हैं जिससे भिंडी में सौंधापन आता है। तो बस अब ये भिंडी पक रही है और साइड में साथ साथ दूसरा भी काम करते जाते हैं, क्योंकि जो किचन में फैलावा होता है तो वो उसी टाइम समेट के रखते जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा समेटना पड़ता है। तो इसमें नमक और पीसी हल्दी और डाल के फिर पका लेंगे। और अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी और फिर अब गर्मी हो रही है, कभी मौसम कुछ होता है कभी कुछ होता है, और जैसी बारिश नहीं होती है तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और किचन में तो बहुत ज़्यादा लगती है। हमारे ननन नंदोई भी आए हुए थे और बच्चे भी थे साथ में और काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बस एक दिन के लिए आए थे, दूसरे दिन चले गए। और होता यह है कि जब कोई आने वाला होता है तो एक दिन पहले और आप उनकी तैयारी में लगे रहते हो, क्या क्या बनाना है, क्या करना है, थोड़ा घर समेटना, तो बस उसमें 2-3 दिन सब हो गया और वो चले गए जल्दी से। तो डॉक्टर को भी दिखाना था वैसे उनको, नंदोई को, तो वो देखिए ये कचरा भी समेटते जा रहे हैं क्योंकि जो भी कचरा निकलता है फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। और होता ही है कि हमारे यहाँ 3-4 दिन में आता है कचरे वाला, उसका कोई भरोसा नहीं रहता वो कब आ जाए, 4 दिन भी हो जाता है, 5 दिन भी हो जाता है, 3 दिन भी होता है, तो इसलिए कचरा तो रख नहीं सकते। तो कचरा तो ऐसा करते हैं कि रोज़ फेंकवा देते हैं, रात में हस्बैंड जाके फेंक आते हैं, और क्योंकि उसके भरोसे बैठेंगे तो घर में गंदगी होगी, क्योंकि आजकल वैसे भी कचरे में जैसे आम वगैरह है तो उसमें डस्टबिन में डाल के रखो और जैसे डस्टबिन खोलो तो उसमें स्मेल आती है, तो इस वजह से वो डेली डेली कचरा फेंक दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो पता भी नहीं चलता, घर में गंदगी भी नहीं होती है। कचरे वाले के चक्कर में रहेंगे तो 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएगा और कचरा भी ज़्यादा हो जाएगा, और घर में कचरा रखना भी अच्छा नहीं होता। दाल और भिंडी साइड में हो रही है और अब बना लेते हैं रोटी। और रोटी नाश्ते के लिए से हस्बैंड तो रोटी खाते हैं, हम पराठा खाते हैं और ये घी लगी हुई रोटी खाते हैं, तो बस उनके लिए रोटी बना लेते हैं ऑफिस ले जाने का और नाश्ते का। और बाकी तो खाने का जो हम लोग अयाज़ और हम हैं तो हम लोग तो बाद में दिन में 1:30 बजे 2 बजे जब खाना खाएंगे तब उस वक्त बनाते हैं गरम गरम, अभी बस हस्बैंड के लिए बना रहे हैं।
काम तो बहुत होता है, सिर्फ अभी तो खाना बना है, बाकी तो फिर रखना सहना पूरा सुबह से लेकर रात तक के काफ़ी काम हो जाता है, और सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो ये तो सिर्फ 10-11 मिनट की वीडियो होती है, उसमें तो पूरा नहीं दिखा पाते। बाकी आप है कि सुबह से लेकर रात तक के काफ़ी काम हो जाता है। हम हस्बैंड के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं, बाय चांस कभी होता है जब उनके साथ कर लेते हैं नाश्ता, जब जल्दी हो जाता है, नहीं है तो हम सुकून से पूरा इत्मीनान से बैठ के ही नाश्ता करते हैं, उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं और तभी अच्छा लगता है, नहीं तो हड़बड़ी में नहीं खाया जाता। और देखिए अब पूरा तैयार हो गया है, वैसे दाल बघारना है, दाल ठंडी हो रही है, कुकर यानी कुकर ठंडा हो रहा है, और बस रोटी बनाने के बाद में लंच पैक कर देंगे इनका। और देखिए हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, और हम उसके बाद में हमने नाश्ता किया, उसके बाद में जो भिंडी का बर्तन था उसको खाली करके रख ले रहे हैं, और बर्तन सारे धुल जाएंगे, बाई आ जाती है तो उस टाइम में पूरा बर्तन धुल जाता है, बस हम और अयाज का जो प्लेट होती है खाने की वो रह जाती है। तो इस तरह से सारी बर्तन खाली करके रख देंगे, और ये दाल है वो वैसी रहने देंगे क्योंकि दाल तो रात तक के चलती है, तो इसको ढक के रख देंगे, और सारा चीज़ें जो है सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख देंगे, जिस तरह से आटे का डब्बा है, बेलन है, चिमटा है, सारी चीज़ें धोने रख देंगे, और सब तरह से सफाई कर देंगे इसको। और बाकी तो फिर दूसरे काम भी होते हैं कि जो वह काम करना है, जिस तरह से कपड़े लगाना था धोने के लिए से, तो अब वो भी करना है, और समेटना है घर, क्योंकि सुबह उठने के बाद में तो ये चीज़ें दूसरी चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो भी समेटना रहेगा। तो बस किचन से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद में वो काम करेंगे। कभी ये भी रहता है कि बाई देर से आती है, तो वो भी सही है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत आराम से बहुत आसानी से सारी चीज़ें होती है, रेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ी देर, और फिर बाई आती है तो सारी चीज़ें सब चीज़ अपनी जगह में हो जाती है, और उसके बाद में बाई का झाड़ू पोछा बर्तन होता है तो सारा घर सफाई हो जाती है। और ये देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखने के बाद थोड़ा हटा के प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर रहे हैं।
देखिए अब किचन की सफाई हो चुकी है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।